एक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज DMU की एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है। आरोप DMU के ही एक डॉक्टर पर लगाया गया है। डॉक्टर ने खुद के शादीशुदा होने की बात छिपाकर मेडिकल छात्रा को शादी का झांसा दिया, उसके साथ रिलेशन भी रहा और इस दौरान अश्लील फोटो क्लिक कर ली। इन्हीं फोटो के जरिए डॉक्टर छात्रा को साल भर तक ब्लैकमेल करता रहा। जब छात्रा की शादी कहीं और तय हो गई तो डॉक्टर ने उसके मंगेतर को अश्लील फोटो भेजकर उसकी शादी तोड़वा दी, जिसके बाद मुरादाबाद पाकबड़ा पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर अब्दुल कादिर के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी डॉक्टर TMU अस्पताल से नौकरी छोड़कर दिल्ली में अपने घर लौट चुका है। वह इन दिनों दिल्ली के यमुना विहार में स्थित अपने पिता डॉक्टर अब्दुल खालिक के निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर रहा है। इसके संबंध में मुरादाबाद SSP हेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की गई है। सर, एक मेडिकल कॉलेज में छात्र ने आरोप लगाया कि उसके साथ छेड़छाड़ किया है, क्या पूरा मामला है, क्यों उनको नहीं? देखिए, थाना पाकवाड़ा में एक पीड़िता के द्वारा थाना पाकवाड़ा में एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके साथ में शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण किया गया और उनको धमकी दी गई है। इसी पर थाना पाकवाड़ा पर IPC की धारा 376, 506 और IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का 161, 164 CRPC का बयान कराया जा रहा है। मेडिकल की कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य विवेचना में सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे किस में कार्रवाई की जाएगी।